कंपनी में, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, पहले उन्होंने ये सब चीजों से शुरुआत की थी, पहले कुछ एक चीज आई होगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और एडवांस, और उनके पास प्रोजेक्ट्स है। अभी मेरी बात हुई थी सर से, they are against something new to come in this company, right? So ये जब चीजें आएगी, this makes life excited, और कुछ नया मिलता है, और आपके पास तो पूरी life पड़ी है to make your career, right? So ये सारी चीजें आज हमें पता चलेगी how we can achieve that, और क्या चीजें नहीं करने से हम वो अचीव करें, one at the same time, वो भी बताना हो जरूरी, correct? Yes. Sir. Yes. Then comes, अब ये ओवर स्टिमुलेशन क्या होता है? हम टॉपिक पे आने से पहले समझ लें कि हम किस रिलेटेड बात कर रहे हैं। अब ओवर स्टिमुलेशन की अगर हम बात करें, देखिए क्या होता है, बचपन से कभी कभार सबके घर में ऐसा हुआ होगा, जिसके बड़े भाई है या छोटी बहन है या बड़ी बहन है, छोटा भाई है, सीखना उससे कुछ, कितनी कितनी अभ्यास करते थे, बस साबुन साबुन चकले के लिए निकला, उसको देख तुम्हारे फ्रेंड को कितना अच्छा जॉब लग गया, है ना, तेरे जैसे था वो, तेरे जितने परसेंटेज मिलते थे, बट आज देखो वो कहाँ है और तुम कहाँ हो, राइट? ऐसे कुछ चीजें फेस किए आपने लाइफ में, सबने किए हैं। अब मुझे बताइए, अगर इसको इनसे कंपेयर किया जाए, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फाइव टाइम्स, इनके मन पे क्या फीलिंग आएगी? नेगेटिविटी किसके लिए? खुद के लिए आएगी, और वो पर्सन के लिए भी क्या आएगी? जेलसी आएगी। ये पर्सन ने कुछ बोला है क्या? मैं कितना आगे चला गया देख, वो पर्सन ने कुछ नहीं बोला है, किसी और ने उस पर्सन रिलेटेड इनके दिमाग में वो चीजें भरी। अंडरस्टूड? कोई चीज ओवर स्टिमुलेशन बार बार बोली जाए, वही चीज हम कंटिन्यू सुनते हैं, कंपेयर करा जाता है हमको किसी और से, दैट थिंग्स इरोडस, इज इट ट्रू? यस। यानी हम वो पर्सन को अपना कॉम्पिटिटर मानने लगते हैं, अपना दुश्मन सा मानने लगते हैं, करेक्ट है? यस सर। अग्री? यस सर। ये एक एस्पेक्ट में मैंने बात की, ओवर स्टिम्युलेशन से क्या होता है। जब ये चीज इसी थर्ड पर्सन के लिए हम ओवर स्टिम्युलेशन करके गलत चीजें करते हैं, जस्ट इमेजिन गाइस, अगर हम खुद की बॉडी के कोई पर्टिकुलर चीज पे ओवर स्टिम्युलेशन करें, तो क्या वो चीज हमारे लिए काम करेगी या अगेंस्ट करेगी? इस एस्पेक्ट पे हम कभी नहीं सोचते, कभी नहीं सोचते, क्योंकि हम खुद के बॉडी के कौन से पार्ट को बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, वो उस एनर्जी को हमारे अगेंस्ट यूज कर रहा है या हमारे फेवर में यूज कर रहा है, वी नेवर एवर गिव अ थॉट ऑन दैट। बहुत डीप मीनिंग है जो मैंने भी बताया, डिस्पाइट डीप, थोड़ा ध्यान से सुनना होगा, बट इट इज वेरी वेरी राइट। सो नाउ today we are going to talk on such kind of topics only. What you will learn after the session? How to remove overstimulation. Getting my point? Yes. How to remove overstimulation. Second? Imagine. So, usse kya hoga? You will become excited about it. अगर आप naturally motivated है, तो you get lots and lots of creative ideas related to your goals. And last, eliminate non-productive activities and distractions. That will help you achieve your first and second. That's first and second answers. Okay, understood? Yes. Yes. So now, आप सबको पता है, आज dopamine detox पे talk है अपना. But what is dopamine? क्या है? Yes, anybody? Happy hormone. It's a happy hormone. Okay, anyone else? Something not neurochemical, feeling of satisfaction. Okay, feeling of satisfaction, very nice. Correct, both answers correct. Kuch had tak,
बोलिए और कोई कुछ भी आता हो तो पास में तुम क्या से बाहर जाएंगे तो किसी को नहीं मालूम आप सही बोला गलत बोला कहीं पे भी कुछ थॉट प्रोसेस जा रही है तो यू कैन शेयर विद मी क्या है ये हुक्म हेलो सो एज दिस टू गाइस करेक्टली सेड जस्ट गिव अस अ प्लेजर सेकंड थिंग फील गुड वाला हैप्पी वाला राइट इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि वहां लिखा है इसको इस एस्पेक्ट में कई बार देखा गया है कि इट इज अ हैप्पी हार्मोन ये चीज कुछ हद तक सही है कुछ हद तक गलत है कैन आई गेट वाटर प्लीज सो ये कुछ हद तक सही है क्या करता है ये डोपामिन अच्छा अब ये डोपामिन की जरूरत ज्यादा आती है डोपामिन के बॉडी में 2020 के बाद आया 2020 के पहले नहीं था हाँ 2010 में भी था जब से इंसान बना है तब से था ये जो हम बोल रहे हैं डोपामिन डिटॉक्स इसकी नीड अभी अभी दिख रही है लास्ट 2-4-5 साल व्हाई इज इट सो सोशल मीडिया यू नीड टू से बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ गए वेरी गुड सो ये डोपामिन जो हमारे लिए काम करता है क्या काम है उसका फर्स्ट मेक यू एंटिसिपेट रिवॉर्ड्स अगर आज यहाँ पे मैं अभी अनाउंस करूं कि कॉम्पिटिशन है वो कॉम्पिटिशन में आप सबको पार्ट लेना है कौन है जो चाहेगा मैं उस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट ना आऊं हर कोई चाहेगा चाहे उसे पता हो मैं नहीं जीत सकता फिर भी चाहेगा नहीं जीत सबसे आगे में चला जाऊं होगा उसके दिमाग में दिस इज व्हाट डोपामिन ये अच्छा है गलत है जब हम वो रिवॉर्ड के पीछे जाएंगे तभी तो हम मेहनत करेंगे तभी तो हम वो चीज अचीव करने के लिए ताकत से आगे रहेंगे राइट सेकंड स्टिमुलेट डिजायर टू टेक एक्शन अगर हमें वो सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं मिली तो हम वो एक्शन नहीं लेंगे दैट डोपामिन गिव्स अस अंडरस्टूड देन नीड फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन वो जो प्लेजर है वो भी डोपामिन से आता है वो जो डिजायर है वो भी डोपामिन से आती है सो दिस इज गुड राइट डोपामिन इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड एसेंशियल फॉर अस फॉर आवर डेवलपमेंट फॉर अचीवमेंट राइट लेकिन ऐसी कुछ चीजें हो रही है अभी डोपामिन अगर है डोपामिन अभी क्या बताएगा भूख लगी तो खाना खा ये फीलिंग डोपामिन देता है अरे खाना खा प्यास लगी तो पानी पियो आपकी कंपटीशन है तो जीतो राइट ये सारे जो चीजें हैं ये हमें डोपामिन देता है वो ट्रिगर करता है राइट अब आपको मैं एक एग्जांपल के द्वारा और समझाऊं कितने लोग हैं जिनको बाइक का शौक है बाइक बहुत अच्छी सी बाइक होनी चाहिए मेरे पास है सर अब समझ के चलिए आपको एक बाइक परचेस करनी है राइट अब हमें अगर कोई बाइक परचेस करनी है तो हम क्या करेंगे बाइक परचेस करने से पहले क्या करेंगे देखने जाएंगे और टेस्ट ड्राइव लेंगे और सोचो ना मैं लेने जा रहा हूं बाइक जस्ट इमेजिन आप लेने जा रहे हो बाइक क्या करोगे प्राइस देखेंगे और क्या करोगे कलर चेक करोगे वेरी नाइस इंजन का इंक्वायरी करोगे कैसा कितने सीसी का इंजन है हा? और क्या पता क्या तुम्हारी फेवरेट गाड़ी सुनो कार सुनो तो भाई अपन तो कार लेंगे राइट सो क्या पता करोगे कितना पैसा लगेगा ये ओके और एवरेज और मजा आएगा या नहीं फील आना चाहिए यार चार लोग देखने चाहिए आजू बाजू वाले यार और टेस्ट ड्राइव लेंगे
इसका सीट कंफर्टेबल है कि नहीं वो भी देख पा होगा, पीछे बैठा ना दर्द में पॉइंट पे आ जाते हैं। और इतनी सारी चीज, सबसे बड़े तो पापा को याद करेंगे, गूगल बाबा है ना, रिव्यूज देखेंगे, इसके टॉप में है क्या कोई कॉम्पिटिटर, तो हम क्रॉस चेक करेंगे, दूसरे शॉप में जाके वो भी बाइक देख के आएंगे, फिर कंपेयर करके देंगे। जब हमें कोई चीज लेनी हो, हमारी फेवरेट, बहुत शिद्दत से हम जिसे चाह रहे थे, तो पूरी तरीके से उसका सर्च करते हैं। क्यों? वो एक्साइटमेंट होता है, वो एंथुसियाज्म होता है, वो क्यूरियोसिटी होती है हमें वो चीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेने। एंड नाउ जस्ट इमेजिन, गाड़ी ले ली, आ गई आपके घर पे गाड़ी, उसके एक हफ्ता बाद की सर्च करेंगे इसमें कितने सीसी का इंजन है, इसका माइलेज कितना है, क्यों? वो एक्साइटमेंट कम हो गया, वो डिजायर कम हो गया, वो एंथुसियाज्म देखने का कम हो गया, अब सिर्फ क्या करना है, एंजॉय, राइट? यानी डोपामिन ने एक लेवल पे वो डिजायर एक्सटेंड की, आपने वो फुलफिल की सर्चिंग करके, उसके बाद डोपामिन लेवल वो चीज के लिए कम हो गई, आपने वो चीजें करना कम कर दिया। अब समझ में आया डोपामिन का? यस सर। वेरी क्लियर? यस सर। का? यस सर। ये भी समझो, अब हमारे पास में ऐसी चीजें हैं जो ये डोपामिन की लेवल को कम नहीं होने देते। गाड़ी लेने के बाद वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन की लेवल फुलफिल हो गई, तो डोपामिन लेवल वो चीज के लिए कम हो गई। बट अब हम सराउंडेड बाय सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस कि हमारी वो लेवल डोपामिन की कम नहीं होने देता, उल्टा बढ़ती जाती है। अगर आपने पीएचडी भी कर ली गाड़ी के बारे में, फिर भी वो लेवल कम नहीं होगी, और पता पड़ता है 2 साल बाद कौन सी नई गाड़ी लॉन्च होने वाली है, वो लूंगा मैं अभी कहीं बोलू। तो ये मैं कह रहा हूं जनरल एस्पेक्ट, लाइफ, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, ये सारी वो चीजें हैं बहुत फैसिनेटिंग, ये आपके डोपामिन लेवल को नीचे ही नहीं आने देते। एंड दैट इज व्हाई इट इज अ टाइम टू रिक्वायर डोपामिन डिटॉक्स, बिकॉज यू आर इन सच अ एज ग्रुप कि अगर आपने ये डिटॉक्स नहीं किया या आपने ये हार्मोन पे ब्रेक नहीं लगाया, definitely, जो मैंने बोला था ना, it will make your life, because this is the phase of your life कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, you can create history, right? But उसके लिए focus होना is very very mandatory. But ये जो distractions हमारे surrounding है, that will not able to let you to achieve your goals. या वो लेवल तक नहीं पहुंचने देंगे जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, राइट? एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हार्मोन ऑफ मूड। अभी थोड़ी देर में ना आपके पास में पीनट्स आएंगे, इमेजिन करो आग है, कर सकते हैं? यस सर। थोड़ा समय हो रहा है पहुंचने के लिए, अगर मैंने सबको यहाँ पे पीनट्स दे दिए, कितनी देर में फिनिश हो जाएंगे? एक घंटे में फिनिश हो जाएंगे, बोले आपके दो में हो जाएंगे। अगर वही मैं एक बोल में चॉकलेट्स रख दूं, क्या वो भी घंटे में फिनिश हो जाएंगे? नहीं, शायद एक खाएगा कोई दो खाएगा, बच्चे रह जाएंगे। क्या पीनट्स के साथ ऐसा? एक खा लिया,
होती जाती है पीने साथ में, तो अपने आप हाथ चल रहा है ना, बोलना नहीं पड़ता चलाओ करके चॉकलेट का तो रैपर खोलो खाओ कुत्ता चबाना पड़ेगा पीनर से फटाफट राइट सेम वे क्यों होता है डोपामिन इज हार्मोन ऑफ एक से क्या दो खाए तीन खाए चार खाए क्योंकि आपकी डोपामिन लेवल एक खाने से फुलफिल होने वाली है क्या पीनर पहुंचेंगे भी नहीं वो फ्यूल एम्प्टी भी बताएगा राइट जब तक एक सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ पीनट्स खाने लेते हमें वो चीज महसूस ही नहीं होगी कि मैंने खाया बस सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं राइट पीनट्स एंड चॉकलेट का एग्जांपल देते हैं अंडरस्टूड सो दैट इज व्हाई दिस इज हार्मोन ऑफ मोर जब जब हम इंस्टाग्राम यूज करेंगे आप एक रील देख के रुकने वाले नहीं सब लोग अपने टाइम में चलते हैं हां यार एक से क्या होगा तीसरी चौथी राइट हार्मोन ऑफ मोर मम्मी ने आवाज दी आ रही मम्मी आ रही वाली दो मिनट अरे आ रहे वाली सर बस पॉज करो दो मिनट इतनी अच्छी नहीं आदत से कैसे छोड़ स्क्रॉलिंग या स्क्रॉल Netflix चैलेंज है आजकल मैं पूरी सीरीज खत्म करके बताऊंगी तुम्हें आज ही खत्म कर दूंगी पूरी सीरीज है ना हार्मोन ऑफ डोपामिन रिलेटेड विद योर डोपामिन माय डियर फ्रेंड्स इट इज नॉट लेटिंग यू डाउन कि आप फोन रखे आपको पता है सोने का टाइम हो गया है आपको पता है आपके असाइनमेंट्स है आपको पता है कुछ दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्क आपको करना है आपको पता है आपकी हेल्थ शायद उतनी ठीक नहीं है ये करने के लिए बट स्टिल दैट डोपामिन इज हाईजैकिंग योर माइंड वो जो बोलेगा हम वही करेंगे एक एपिसोड होने के बाद और ये क्यों होता है डोपामिन जनरली ट्रिगर द थिंग्स विच आर अनसर्टन जब हमें पता नहीं होता है ना आगे क्या है वो चीज पता करने के लिए डोपामिन और ट्रिगर होता है अगले एपिसोड का एंड क्या होगा ये एंड हो गया आगे क्या होने वाला है ये टाइट मोमेंट पे एंड किया ना ये एपिसोड अगला तो देखना ही पड़ेगा यार स्टार्टिंग क्या है इसने मारा होगा उसको है ना ये ट्रिगर है अनसर्टन चीजें देखो कितने लाइक्स आए मैंने कल जो रील डाली थी उससे कम 100 लाइक्स तो आने चाहिए क्यों नहीं आए कितने कम लोगों ने देखा अभी तक मैं पूछ करूं क्या मैं बार बार व्हाट्सएप ग्रुप पे डालू प्लीज लाइक माय रील ये चीजें क्या हो रही इट इज ट्रिगरिंग आवर डोपामिन कंटिन्यूअसली कि वो चीज आप देखते रहे देखते रहे देखते रहे ताकि आपकी डोपामिन लेवल सेटिस्फाइड ही नहीं होती है जब तक आप उसे कंटिन्यू नहीं देते अब मुझे बताइए आपने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया था आपके व्हाट्सएप आपके मोबाइल में कब इंस्टॉल किया है 3 to 4 years एवरेजली सभी लोग तो जब नया नया इंस्टॉल किया होगा तब जितनी देर हम देखते थे शायद 4 minutes 5 minutes सेटिस्फेक्शन आता था उसको भी अच्छा है अब वही 4-5 मिनट हमारे 15 मिनट में बदल जाते हैं वही 15 मिनट हमारे आधे घंटे में बदल जाते हैं होता है ऐसा शुरुआत में हमें पता रहता है नहीं मैं एक एपिसोड देखता हूँ अगला एपिसोड फिर पता चलता है क्लियर एक ही देखा क्या 3 एपिसोड कंप्लीट करना फिर आता है 14 अब मैं 3 मैंने तो सीरीज कंप्लीट कर डाली अरे बाप रे हाँ क्या यार मैं ही एक देख के सो गया होता है होता है हमारे डोपामिन को रिलैक्स होने का पीरियड हमने बढ़ा दिया अपने आप नहीं बढ़ाया जो लेवल पे पहुंच के वो डोपामिन जैसे कि हम गाड़ी की एक्साइटमेंट कम हो जाती है लेने के बाद वैसे ये डोपामिन की लेवल कम हो जानी चाहिए एक एपिसोड के बाद बट वो हो रही है हमने वो लेवल बढ़ा दिया जो ओवर स्टिमुलेशन की रोड्स वी हैव इरोडेड आउट Now get back to that.
कोई और हमें खराब नहीं कर रहा है, हम खुद अपने आप को खराब कर रहे हैं। We are making our mind to be hijacked with program. Yes. Two minutes. अभी देखिए आपको तीन रोज है, हम ये तीन रोज में कॉम्पिटिशन करें। ये वाली रो है इंस्टा वाली, ये वाली रो है व्हाट्सएप वाली, और ये वाली रो है फेसबुक वाली। ठीक है, आपकी चेक थोड़ी इधर ले लो। आप कौन सी रो है? सब तो हाथ पर लो। कौन सी है? इंस्टाग्राम। राइट, आपकी व्हाट्सएप, आपकी फेसबुक, और ताकत वाली आवाज है भाई, फेसबुक जितने वाला है। नाउ यू हैव टू डिबेट, आपको अपनी बाजू प्रूफ करनी है, मैं बेस्ट हूं। राइट, इंस्टा के बेस्ट पॉइंट्स बताओ, इंस्टा के गंदे पॉइंट्स बताओ, व्हाट्सएप के बेस्ट पॉइंट्स बताओ, सेम विद फेसबुक। ओके, नाउ पहले इंस्टाग्राम, सब लोग जोर से भी बोल सकते हैं, चिल्ला के बोल सकते हैं, कैसे इंस्टाग्राम बेस्ट है, क्यों ये दोनों खराब है, मतलब ये दोनों है एंगेजिंग है, एंगेजिंग है, और बोलो यार इतना देखते हैं, अच्छी अच्छी चीजें बताओ सब। और बहुत पीछे वाले अभी वो माया से दूर है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। फेसबुक वाले ऑथेंटिकेशन है, और स्टोरीज लगा सकते हैं, वेरी गुड, बूस्ट कर सकते हैं, अपने आप को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वेरी नाइस। क्या बात है, बहुत बढ़िया पॉइंट, यस, बट व्हाट्सएप में इतनी इंफॉर्मेशन एंगेज नहीं रखता, ये प्लस पॉइंट है। ओके, थर्ड ये है कि जितनी भी सेलिब्रिटीज है, मतलब जिसके भी व्यूवर्स ज्यादा होते हैं उसको बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, और इन जो दो प्लेटफॉर्म है उसमें किसी को पैसा भी नहीं मिलता। WhatsApp के थ्रू होते हैं, क्या बात है, और सबसे ज्यादा हैकर्स भी WhatsApp पे, सॉरी Instagram पे हैकर्स है, सेफ नहीं है, छोटे बच्चों के लिए WhatsApp का मैसेज पर्सनल स्पेशल कंसीडर होता है, अंडरलाइनिंग हां सर, हमने अभी तक यूज किए सबसे ज्यादा बार फेसबुक के हैक हुए, इंस्टाग्राम जितना फेसबुक वालों के सर, फेसबुक से कनेक्शन बिल्ड होते हैं, फेसबुक से कनेक्शन बिल्ड होते हैं, सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम हो जाते हैं, इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट है, फेसबुक आया है तो फेसबुक के ज्यादा है, व्हाट्सएप पर ही आना पड़ता है, व्हाट्सएप के बिना कुछ ये दोनों का गुजारा नहीं। और फनी वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी देखने मिलते, छोटे टाइम के रहते तो जल्दी जल्दी मजा आ जाता, देखिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक से नंबर मिल रहा है तो व्हाट्सएप पे चैटिंग होगी सर, चैटिंग व्हाट्सएप से ही होगी, नंबर कहीं से भी मिले चैटिंग तो मैं व्हाट्सएप पे कर दूंगा, व्हाट्सएप पे ही है। यहाँ पे क्लास ज्वाइन करने के बाद पूछो इंस्टाग्राम के अकाउंट सब में दे, इस फेसबुक के अकाउंट किसी के पास भी नहीं था, सब अपने बनाए, डिफेंड तो कर रहे हैं ताकत से।
का ढूंढा डिवोर्स नहीं हुआ तो क्या वो डिवोर्स केस नहीं लड़ता? कमाल हो गई यार, ये क्या बात हो गई। क्या कंक्लूजन आ रहा है हमारे पास, कौन ग्रेट है? आपने सब अच्छे पॉइंट्स बता दिए, अब ध्यान से ना वही पॉइंट्स को रीथिंक करना, उन हर अच्छे के पीछे कितना बुरा है। इंस्टा इज एंगेजिंग अस मोर, फेसबुक से एक साथ 200 लोगों से कांटेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप से, मतलब 200 लोगों के मैसेज पढ़ने बैठ जाओ एक व्हाट्सएप ग्रुप खोल के, तो कब आधी घंटा चला जाए, इसने क्या लिखा तो पता नहीं चलता। गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। यस, फेसबुक लगा दो एक वीडियो कॉल या चैटिंग चालू कर दो फेसबुक पे मैसेंजर के थ्रू, कंटिन्यू, भाई कितने दिन बाद मिल रहा है तू, हाँ यार कितने दिन हो गए बात करने के, राइट? यस सर। एडवांटेजेस है कब तक? जब तक हम उसे प्रॉपरली यूज करें। If we keep on triggering our dopamine, और अगर वो dopamine level को इतने हद तक ले जाए कि आपका time spoil हो जाए, आपका goal achieve ना हो सके, आपका time waste हो, तो क्या ये सब platforms अच्छे हैं? Absolutely not. आप जब यहाँ working करते हैं तो कितने लोग मोबाइल में 10 बार Instagram देखते हैं? क्रॉस फिंगर करके बोल रहे हैं ये। तो उसके फायदे आपको एक्चुअली समझ में आएंगे अगर ये चीज आप सही में फॉलो कर रहे हो, कि जब आप वर्क पे हो तो कितना फोकस बढ़ रहा है, राइट? कितने ध्यान से हम वो चीज कर रहे हैं, आएंगे उस पे भी आएंगे, और क्या क्या चीजें हैं जो ये डोपामाइन को ट्रिगर, सोशल मीडिया पे हमने काफी बात। सेकेंड थिंग, एडिक्शन ऑफ एनीथिंग, सोशल मीडिया भी वन ऑफ एडिक्शन, उसके साथ में चाहे फिर वो स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो या फिर गैम्बलिंग हो, जैसे मैंने कहा ये डिजायर फॉर मोर, एक लेवल पे आके हमें प्लेजर नहीं मिलता। जो नया नया ड्रिंकिंग शुरू करता है ना, उसको शुरुआत में तो एक ग्लास या एक पैक काफी होता है, पर जैसे जैसे वो खुद के डोपामिन को चैलेंज करता है उसके लिए एक बॉटल भी काफी नहीं होती। दैट मींस यू आर मेकिंग योर डोपामिन टू गो इन सच अ हाई लेवल कि वो उसके बिना शांति नहीं होगा। ये है एडिक्शन, एडिक्शन ऑफ अनसर्टेन थिंग्स, गैम्बलिंग इज लाइक दैट, हमें नहीं पता होता है क्या होने वाला है। अनसर्टन थिंग पे जितना हम फोकस करने लगेंगे और उसके ऊपर वर्क करने लगेंगे, वो डोपामिन अगेन एंड अगेन ट्रिगर होगा, एंड यू विल ट्रैप, आप पूरी तरीके से ट्रैप हो जाएंगे इन द डोपामिन, एंड दैट इज व्हाई आई गिवन द टॉपिक इज योर माइंड इज लाइक चैट। यस सर। ब्रिंग इट ऑल दिस थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स with your daily routine. You don't have to tell to anyone. जैसे मैंने शुरुआत में कहा, overstimulation वो वाला अलग, ये खुद का, जो आप अपने आप को erode कर रहे हो, आपके brain को erode कर रहे हो,
थिंक, गिव अ टाइम टू योरसेल्फ, क्या सही में मेरी चीजें प्रॉपरली मैनेज्ड है, क्या सही में मेरा ड्यूरेशन प्रॉपरली मैनेज्ड है, एम आई कंट्रोलिंग माई डोपामिन क्वाइट वेल, और डोपामिन कंट्रोलिंग. Understood? Yes, yes sir. Right? What it will do? This will definitely lose your focus. Not make you concentrate. Lazy bana dega. अगर वो चीज नहीं हुई ना, आज अगर मैंने देख लिया कि मेरे को कितने लाइक्स मिले हैं और अगर मेरे मन चाहे नहीं मिले, अपसेट. अपसेट. डालो पोस्ट, बट इट नॉट द इंटेंशन कि मेरे को ये टारगेट पे पहुंचना है. Unless and until it is your profession. If you are into a social media marketing team, आपके क्लाइंट के व्यूज आपको बढ़ाने तो आपको मेहनत करनी हो, बट इट इज योर प्रोफेशन. It is not your addiction. ये मैं आपके addiction के related बात करता हूँ. Getting my point? Yes. Right? It is not mandatory कि आपके सारे WhatsApp groups में आपका message जाए. मैं मेरा message नहीं करता तो दिन ही नहीं बनेगा. मैं कैसे good morning message करूँ? Are you getting? Yes. It is not mandatory कि आपका presence हर एक social media पे every day. Absolutely not necessary. Getting my point? Yes. और अगर ऐसा होगा तो ही हम ये ट्रैप से बाहर आ सकेंगे. Okay? क्या लिखा? You have a choice to be in control or under control. क्या है आपकी चॉइस? In control. सही में? पक्का? Yes sir. So अभी हम जिसके कंट्रोल में हैं, वो क्या-क्या चीजें थी? So, ये हमें कंट्रोल कर रहे हैं. हाँ या ना? जिन्होंने कब शुरुआत में हाथ खड़े नहीं किए थे, क्या उन्हें समझ आ रहा है कि यस, ये आर दे कंट्रोलिंग अस? यस. सो वी हैव टू रीथिंक. इट इज अ टाइम, इट इज अ राइट टाइम, इट इज अ राइट एज. करेक्ट? यस. अगर ये चीज आ गई ना, इफ वी आर इन कंट्रोल, again I am repeating the same thing, you will make your life, you will not going to break your life, right? Hamari zarurat kya hai aur hame zaruri kya hai, ye fark padega. Hamari zarurat kya hai aur hame zaruri kya hai, ye pata hona is very very important. Ye sari zarurat hai ya zaruri hai? Anybody can tell me? क्या जरूरी है? टू बी इन कंट्रोल, ये जरूरी है. जरूरत क्या है? ये सारी जो सोशल मीडिया है, ये हमारी जरूरत है या हमें जरूरी है? मैंने क्या कहा था? क्या ये बहुत खराब है? बंद हो जाना चाहिए मोबाइल फोन, ही बंद हो जाना चाहिए. आज के डेट में जो कम्युनिकेशन मीडियम है, क्या वो अच्छा है या नहीं है? एग्जैक्टली, उसी पे आ रहा हूं. वही एक सेंटेंस में मीनिंग, जरूरत क्या है और जरूरी क्या है. अगर आप जितनी जरूरत है उतना यूज करोगे तो वो आपके लिए जरूरी है, अगर आपको जितनी जरूरत है उससे ज्यादा यूज करोगे तो वो आपके लिए बिल्कुल जरूरी है. एक राजा था, वो शिकार करने निकला अपनी सेना के साथ. तो अपनी सेना के साथ शिकार करने निकला, जंगल में घूम रहा था, सैनिक पीछे थे. शिकार करते करते वो इतना आगे चला गया, सैनिक छूट गया पीछे. सैनिक को राजा दिखे नहीं, राजा को सैनिक दिखे, भटक गया. जंगल में जाऊं कहां जाऊं, अब रास्ता भटक गया हूं, वापस कैसे निकलूंगा? उतने में उसे एक लकड़हारा दिखा. और दिखा लकड़हारा, लकड़ी काट रहा था. वो लकड़हारे के पास गया, लकड़हारे को बोला सुनो भैया सुनो. लकड़हारा अपना वो फटे फटे कपड़े में था,
राजा वाले कपड़े हैं। उन्होंने कहा मैं यहाँ आकर राजा हूँ। उसने प्रणाम वणाम किया, भाई राजा है, ये सेवक है, सर राजा जी बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। राजा जी आप इधर कैसे क्या आ गए? तो राजा ने बताया, भाई मैं तो शिकार करने निकला था, पूरे सैनिक पीछे छूट गए, मैं रास्ता भटक गया, क्या आप मुझे सही रास्ते तक पहुंचा सकते हो? बोला राजा आपकी सेवा में तो मैं तत्पर हूँ, आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। बेचारा तो एक गरीब है ना, उसने राजा की बात मान ली, चलिए राजा मैं आपको छोड़ आता हूँ बराबर सही जगह पे। उसने राजा जी को सही रास्ता दिखा दिया और सही जगह छोड़ा। राजा खुश प्रसन्न, आप कल आ जाओ मेरे यहां, मैं आपको बहुत अच्छा इनाम दूंगा। भाई राजा है वो तो है ना, और राजा को मदद करेगा तो इनाम मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो उसने कहा दूसरे दिन आ जाओ, मैं आपको बहुत अच्छा इनाम दूंगा। लकड़ आ रहा खुश घर गया, बीवी को बोला आपको आज मैं राजा जी को देखा, राजा जी की मैंने मदद की। बीवी क्या बात कर रहे हैं आप, क्या मदद करोगे? कोई विश्वास नहीं, नहीं ऐसा ऐसा हुआ, मैंने राजा को सही रास्ता देखा। अरे हाँ क्या बोले, फिर तो कल चलते हैं, हम छत पर जरूर जाएंगे, राजा जी गिफ्ट देने वाले, तो यार हमें तो लेना ही चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया चलो कल हम अच्छे से रेडी होकर सुबह ही निकलेंगे, राजा जी के दरबार में अपना तोहफा लेने जाएंगे। दोनों सुबह उठे, दोनों निकले, बाहर पहुंचे महल के बाहर, जो चौकीदार थे द्वारपाल थे उनको कहा हमें राजा जी से मिलना है, हमें राजा जी ने बुलाया है। द्वारपालों ने देखा वो राजा जी क्यों बुलाएंगे, तुम फटे हारे कपड़ों में आए हो, तुम लकड़ हारे हो, राजा जी को तुमसे क्या काम? नहीं बोले आप एक बार संदेशा दे दो, उन्होंने बुलाया तो ठीक है। वो गए अंदर, संदेशा लेके गए, महाराज को याद आ गया, महाराज ने बोला बिल्कुल उन्हें लेके आइए, मैंने ही उन्हें बुलाया। वो गए महल में, चपा चौन देखे, खुश हो गए, महाराज के सामने गए, महाराज की जय जयकार करी। महाराज ने बोला यस आपने मेरी मदद की है और मैं आपको आज एक इनाम दूंगा। सोच ही रहे थे महाराज मैं क्या इनाम दूं, तो महाराज ने कहा यार ये जंगल में मिला मुझे तो इन्हें जानकारी होगी सभी झाड़ों की पेड़ों की पौधों की। तो उन्होंने एक चंदन का बाग उस लकड़हारे को दे दिया, ये चंदन का बाग आज से तुम्हारा। बहुत खुश हो गए, बाप रे बाप, रोज जंगल में घूमता था मैं एक एक लकड़ी लाने, यार मुझे पूरा बाग दे दिया, चंदन का बाग दे दिया, तो लकड़हारा खुश हो गया, चला गया वो खुश, उसकी बीवी खुश, गए वो लकड़हारा अपने बाग में, अपना झोपड़ी वगैरह बना लिया और वहीं रहने लगे। रोज मस्त लकड़ियां काटता, कोयला बनाता और बेचता, जैसे वो पहले कर रहा था, लकड़ियां काटता था, कोयला बनाता था और बेचता था, ये काम उसने चालू कर दिया। कुछ साल बीत गए, धीरे धीरे वो जो बाग उसे दिया था वहां पे हार्डली दो चार झाड़ बचे और बाकी सारे उसने काट काट के कोयला बना के बेच दिया। साल बाद महाराज को लगा चलो हम देख के तो आते हैं अपने चंदन के बाग, विजिट तो करके आते हैं, बहुत अच्छे से संभाला होगा, इसका मस्त ख्याल रखा होगा, देख के आते हैं। महाराज निकले सैनिकों के साथ, पहुंचे उस बाग में, उस बाग में पहुंच के देखा तो क्या, ये तो बाग ही नहीं है, बंजर सी जमीन दिख रही है, हार्डली दो चार पांच झाड़ दिख रहे हैं। उन्होंने वो लकड़हारे को बुलाया, उन्होंने क्या किया? उसने कहा महाराज मैं तो बहुत खुश हूँ, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, इतने पैसे तो मैं कभी नहीं कमा सकता था, मैंने जितने झाड़ एक एक काटने जाना पड़ता था आपने तो मुझे पूरा बाग दे दिया था, मैंने रोज झाड़ काट काट के कोयला बना के बेचा, बहुत पैसे आ गए मेरे पास, अच्छे पैसे है मेरे पास, बहुत पैसे आ गए। महाराज ने समझ आ गया था कि मैंने गलती कर दी। महाराज ने एक लकड़ी का टुकड़ा निकाला झाड़ के से, जो बच्चा पूछे दो तीन झाड़ थे, महाराज ने कहा ये लकड़ी का टुकड़ा जाके बेचो, सिर्फ ये टुकड़ा जाके बेचो। वो लकड़हारा मार्केट में गया और वो लकड़ी का टुकड़ा बेच रहा, तो मुझे समझा और वो तुरंत आके रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा महाराज के पैरों में, महाराज ये तो मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, एक छोटे से टुकड़े ने मुझे कोयले से कई गुना ज्यादा पैसे दिए, आपने मुझे हीरा दिया और मैंने उसे लोहा समझा, आपने मुझे हीरा दिया और मैंने उसे कोयला समझा। क्या समझ आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, अवर माइंड इज लाइक हीरा, बहुत आइडियाज छुपे हैं इस ब्रेन के अंदर,
बहुत कैपेबिलिटीज है हमारे हर एक के ब्रेन के अंदर, बहुत कुछ अचीव करने की ताकत है आप यूथ के अंदर, समझ है उसे समझने का। डोंट थिंक दैट आपका ब्रेन लोहा है, डोंट कंपेयर इट विद एनी अदर एनीवन एल्स, डोंट मेक कि वो किसी के ट्रैप में आ जाए लाइक डोपामाइन, मेक फुल यूज ऑफ योर ब्रेन, ट्रीट इट लाइक अ हीरा। देखो क्या मैजिक हो, समझ आ रहा है? Yes. So that is why it is very very important to get out of that trap and be in control. Understood? Yes, sir. क्या होगा अगर हम इन कंट्रोल में है? Yes, first point, क्या लिखा है? काम एंड पेशेंस, क्या ये अच्छी क्वालिटी है? Yes, sir. Second, control है मंकी माइंड हमारा? Yes, sir. उछल-कूद करता है? Yes. Third, attention span. होगा जरूरी है? Yes, sir. कोई एक वर्क पे कंटिन्यू फोकस रखना जरूरी है? Yes, yes. Fourth, anxiety and fear. अपने आप हो गया बिकॉज माइंड कहां। लास्ट, ग्रेटिंग फॉर चैलेंजेस बिकॉज वी आर एक्साइटेड फॉर लाइफ, एंड इफ वी आर एक्साइटेड वी आर रेडी टू फेस ईच एंड एवरी चैलेंजेस व्हिच कम्स आवर वे। ट्रू, अगर हम अंडर कंट्रोल है तो पहले कोई भी चीज अगर हम अंडर कंट्रोल में है ना, शुरुआत में वो हमें प्लेजर देगी, स्टार्टिंग में प्लेजर देगी, बाद में हैबिट बनेगी और बाद में एडिक्शन बन जाए। सो ये प्लेजर वाली चीजों के ज्यादा नजदीक नहीं जाते, राइट? बाद में क्या होगा अगर अंडर कंट्रोल है तो सोशल मीडिया एसेट बनाते हैं, एल्कोहल एंड ड्रग्स, मूवीज, वीडियो गेम्स, शुगर, राइट? एक और एग्जांपल बताता हूं आपको, डोपा कैसे हमारे माइंड को ट्रैक करता है। अगर आपको बोला जाए घर जाओ, घर जाके फ्रिज खोलो, भूख लगी है आपको, फ्रिज आपने खोली, सामने रखी है एक पेस्ट्री और एक गाजर, क्या खाएंगे? शुगर, टेस्ट, यही खाना है। गाजर कोई खाने की चीज है? हमें पता है हेल्दी क्या है, बट हमारा माइंड क्या बोलेगा? करेक्ट, बहुत छोटी छोटी चीज है बट यही वो ट्रिगर करा। ये नहीं बोलो टेस्ट नहीं खाना, मैंने नहीं खाता हूं, बट आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे कि कितनी छोटी चीज है ये शुगर जो मैंने कहा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे एडिक्शन। डोपामिन ट्रिगर बहुत होता है शुगर से, जो चीज हम कभी एक स्वीट खाते हैं ना, जो कम, या फिर कौन है जो बहुत कम स्वीट खाते हैं, कम खाते हैं बहुत, कौन है जिसे बहुत पसंद है? अगर आपको एक मिठाई सुबह दे दी तो आपको शाम में मिली तो भी चलेगी ना, वही बोला ना, शाम में और भी तो चलेगा, है ना? हाँ, ये लोगों को नहीं चलता, क्योंकि हमारे डोपामिन को दो की आदत है, तीन की आदत है, इनको तो है ही नहीं। शुगर बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है डोपामिन, राइट? तो शुगर इंटेक भी कम हो तो हमारे डोपामिन को सक्रियता आने में इजी होता है। अब हमारी बात तो सारी हो गई क्या क्या करता है ये डोपामिन, अब मेन पे आते हैं, उसको डिटॉक्स करना है ना, उसका तरीका भी तो बताओ सर, सिर्फ बातें कर रहे हो, तरीका तो बताओ, राइट? करना है या नहीं करना है? Yes. है ना? हाँ। तो अब करना है तो उसके कुछ तरीके, अलग अलग फॉर्मूलास कैसे करें, तो मेन दो है, क्या है? एक तो पार्शियल डिटॉक्स जो 21 डेज या 24 टू 48 आवर्स वाला कंप्लीट डिटॉक्स, पहले हम दूसरे पे आते हैं। फोर्टी एट आवर्स नो चिट चैट विथ फ्रेंड्स, 48 आवर्स नो शुगर फूड,
लग रहा है इसे फिर निकाली। ये 48 आवर्स ये कुछ नहीं करना है, तो करना क्या है प्लीज? अच्छी सी म्यूजिक, एक हेल्दी एक्सरसाइज पैटर्न, स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, बोलो कितना भी हो ही नहीं सकता। आ रहा है दिमाग में जो से आ रहा है तो बोला आ रहा है, कितने लोगों को लगता है मैं कर सकता हूँ ये या कर सकती हूँ? सही में कर सकते हो? यस सर। आपने विपश्यना सुना है? यस सर। सुना ही है ना? यस सर। किया है? यस सर। आपने किया विपश्यना? एक बार खड़े होइए, ताली अब जाए। आप तीन दिन में भाग के आ गए थे या तीन दिन में? नहीं, लोग भाग के आते हैं वहां से, जो भी करना लोग भाग के आ जाते हैं। वहां पे तो आप आई कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, बात तो छोड़ दो, आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप म्यूजिक नहीं सुन सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, नो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जंक फूड तो छोड़ो, बॉइल्स वाली सब्जियां वगैरह मिलती है, वो होता है विपश्यना, और वो 10 दिन का होता है, as you rightly said। मैं आपको 48 आवर्स बोला हूं, क्या होगा सर? थैंक यू वेरी मच। क्या होगा अगर हम ये 48 आवर्स या 24 आवर्स करते हैं? बहुत ही काम माइंड, बहुत ही फोकस्ड माइंड, गोल ओरिएंटेड माइंड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको 49वें आवर में मिलोगे, तब आपको ये रियलाइज होगा, यस माय लाइफ कैन रन विदाउट सोशल मीडिया, जो हम आज सोच ही नहीं सकते। व्हाट इज दैट पार्शियल डिटॉक्स? क्या है पार्शियल डिटॉक्स? 21 डेज। देखिए ये करेंगे रिजल्ट मिलने में थोड़ा जल्दी होगा, पार्शियल डिटॉक्स में रिजल्ट लेट मिलेगा, बट जो हमें सूच हो, जो हम कर सके वो जरूर करना चाहिए। पार्शियल डिटॉक्स यू डिसाइड द टाइम, बाय कुछ भी हो जाए मैं सुबह उठे बराबर मोबाइल नहीं देखूंगा या देखूंगा, वो टाइम मैंने 6 से 8 का नहीं, कैंसल, नो मोबाइल। मैं रात को वाईफाई ऑफ या डेटा ऑफ करके ही सोऊंगा, यानी सुबह उठे बराबर वो नोटिफिकेशंस का कि आपके देखे बिना तो संसार चल नहीं सकता, तो वो वाली चीज नहीं होगी, राइट? सो ये है पार्शियल डिटॉक्स। आपको आपके टाइम फ्रेम करना होगा कि यस मैं देखूंगा तो इतने समय में देखूंगा इंस्टाग्राम, इतनी ही देर देखूंगा। यू हैव टू स्टिक ऑन दैट शेड्यूल फॉर कंटिन्यूअस 21 डेज, कंटिन्यूअस 21 डेज। आर यू गेटिंग? ये करने का एक तरीका है, 3 स्टेप्स जिससे हम ये डिटॉक्स कर सकते हैं। आपको पैटर्न तो चले समझ गया, 24 to 48 आवर्स या पार्शियल डिटॉक्स, करेक्ट? सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। आप एक पेपर पेन पे ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, एक साइड में कैट, एक साइड में कान, यानी क्या लिख रहे हैं आप इसमें कि आपको क्या चीजें डिस्ट्रैक्ट करेगी, वो चीज आपको कांट में लिखना है कि वो मुझे करना नहीं है। अभी सिर्फ कैन और कांट लिख दो, बाद में करना ये चीज, अभी आपके पास सिर्फ ये लिख के रख दो। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन एंड मेक अ चार्ट, कैन एंड कांट, मेक अ चार्ट कैन एंड कांट। कांट में क्या आएगा? YouTube, सोशल मीडिया, जंक फूड, ये सारी चीजें कांट में आएगी, यानी ये आपको नहीं करनी है, ठीक है? अंडरस्टूड? Yes। जब ये होगी पहली स्टेप, ये चीज आपने कर ली। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप, फ्रिक्शन ऐड करना है, ऐड फ्रिक्शन। हम नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऐड फ्रिक्शन? बुक्स बंद कर दो, बस ऐड फ्रिक्शन लिख दो, बुक्स बंद कर दो। क्या है ये एड फ्रिक्शन?
में हमारी ना एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है, सारे लोग ना हम थोड़े आलसी होते हैं। यस सर। अगर आपको बोला जाए जाओ जब भी पानी पीना है यहाँ से सीधा जाना, मतलब ना वहां वाटर कूलर है वहां जाके पानी पीना, फिर इधर आके बैठ जाना। जब भी ये बोला जाए आपको दिन में जब भी पैसा लगे वही जाना है, तो अगर आप रूटीन की 5 ग्लास पानी पियोगे ना और ये डाल दिया मैंने तो आप 3 पियोगे। We have to add friction to all those things which we ride in car. मोबाइल चार्जिंग पे ऐसे रूम में लगाओ जहां बहुत कम जाते हो। आज चार्जिंग में लगा आ जाओ, इधर सोए इधर रहो, बार बार दिस इज फ्रिक्शन। सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो मोबाइल, फेसबुक नोटिफिकेशन, इंस्टा नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, मेरा ऑफ है, तीनों ऑफ। यहाँ पे आपको एक भी फेसबुक इंस्टा नहीं दिखेगा। हाँ, जो भी जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है वो सारे नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, कोई जरूरत नहीं। दिस ऑल आर फ्रिक्शन। आपको पता है आपका वाईफाई राउटर कहाँ है, आपका मोबाइल दूर रखो, वाईफाई आएंगे ही नहीं तो आपको डिस्टर्ब होगा ही नहीं। These are the frictions. You have to add frictions to your can't वाला साइड। एक VF ट्यूब आता है, पता है क्या? VF ट्यूब, जिसको भी YouTube की बहुत आदत है ना वीडियोस देखने की। आप देखो YouTube खोलो और आप जो सर्च करते हो वो कंटिन्यू दिखते जाता है आपको, उस रिलेटेड वीडियोस दिखते जाते हैं। आप VF ट्यूब करके डाउनलोड कर दो, आपको वो कोई चीज नहीं दिखाएगा, तो जो आप सिर्फ सर्च करना चाहते हो उसको ना नहीं दिखाएगा। This is one of the way to keep your mind free from YouTube. ऐसे सब की चीज़ है, वो चीज़ आपको करना होगा, वो friction add करना होगा, तब आप वो detox करने में कामयाब रहोगे। Getting my point? Yes. Yes. Right? Morning routine. सबसे पहले क्या करना है? Goal of the day. एक जगह बैठ के यू हैव टू फाइनलाइज दैट बिफोर वॉचिंग योर फोन, राइट? वो करना है, म्यूजिक सुनो और वो एफर्मेशंस बोलो खुद को, यस आई वांट टू अचीव दिस थिंग्स टुडे, या मुझे मेरा ये गोल एक महीने में पूरा होना चाहिए। वो रोज 30 डेज जब आप बोलोगे वो मैनिफेस्ट करो, आज के 6 महीने बाद मेरा प्रमोशन हो गया है, एट एनी कॉस्ट मेरा प्रमोशन हो गया है, आज से 6 महीने बाद इसी कंपनी में मैं हायर पोस्ट पे हूं। यू हैव टू मैनिफेस्ट दैट थिंग, वो पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो खुद को, वो गोल सेट करो। ये चीजें विल लेट योर माइंड बी काम और वो चीज डिस्ट्रैक्ट होने से आपको बचाए, डिटॉक्स करने में आपको हेल्प करेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस। देखिए एक चीज, चलो एक एक्टिविटी करेंगे मजेदार। क्या करिए, 3-3 का ग्रुप बना लीजिए, 3-3 लोग का, या बेटर है कि आप तीनों एक जगह आ जाओ, आप तीनों उधर आ जाओ, आप तीनों इधर आ जाओ, एक एक रो, क्योंकि मैं एक पेपर दे रहा हूँ आपको, वो पेपर सॉल्व करना है, इट्स अ टाइम लिमिट। आ जाओ 3-3 लोग, कौन कौन तीन, ये तीन सारे एक साथ आ जाओ। सबके पास पेन है? यस सर। जल्दी 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 जल्दी। हैं? हैं? बैठो बैठो बैठो। टेक योर सीट। आई गिव यू पेपर्स। टेक योर सीट। तीनों को दिखना चाहिए बना। बुक ले लो अगर एक सेंटर में। फाइट। बैठो बैठो। सब सेटल? यस सर। एवरीवन? यस सर। पास दिस पेज बैक साइड। अभी कुछ नहीं करना है, मैं बताऊंगा आपको। 3-3 लोग मिलके एक पेपर है, हाँ? 3 लोग मिलके एक पेपर है।
हो गया चलो अब हमें करना क्या है वो दोनों क्या है बैनर लगा रहे थे आप कोई ग्रुप में हो दोनों है ना अभी टीम मुंडी देख रहे हैं नहीं किया भाई जादू बट देखो वो दो जादू हो गए पहले वो बोल रहे हैं हमको समय मिला तो हम देख लेते हैं हाँ क्या बोलने वाले हैं सब पहले ही पता चल खजाना छुपा हुआ है डन ओके बैठ जाइए नाउ व्हाट यू वांट टू अब मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं आपके पास एक मिनट का समय रहेगा आपको 1 2 3 4 सारे कनेक्ट करने हैं और जिसका एक मिनट के बाद जो हाईएस्ट नंबर पे पहुंचेगा मुझे वो नंबर बताना है योर टाइम स्टार्ट नाउ लाइन 1 से 2, 2 से 3 जानी चाहिए लाइन बना रही है लाइन Help out your team. Yes, great, great going team. Mind रह गया है? Mind, world. तो उनको बोलना पड़ेगा भाई इसको कट कर ठीक है आएगा भी नहीं बोल रहा हूँ आएगा भी नहीं बोलो तो लोगों लोगों सिर्फ आ गया है लास्ट 10 सेकेंड आई एम एक्सटेंडेड योर टाइम बाय 30 सेकेंड्स उसमें भी लास्ट 10 सेकेंड्स आर रिमेनिंग 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम अप बी ऑनेस्ट एंड गिव योर पेपर ऊपर नंबर लिख दो यस सबने नंबर लिख दो क्या नंबर है आपका आपका 26 हाईएस्ट है अभी के इसमें ओके नंबर कितने हैं उसमें ना बहुत सारे ना 83 हाईएस्ट आया मेरे पास अभी 83 है लोग अब क्या करना है आप वो पेपर को बाजू में रख दो आपके पास में ठीक है नाउ आई एम गिविंग यू अनदर पेपर ठीक है इस पेपर में I have made few boxes. Same paper है but few boxes are there. Okay? And one hint. You have to go from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये sequence में आपको boxes में जाना है. Understood? Yes, sir. Same task. 1, 2,
लाइन कनेक्ट करना है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पीछे दो वन वन पेज अभी शुरू नहीं करना है जब तक मैं ना बोलूं समझ गए ना मैडम जी है किसी को नहीं मिला अब वापस मैं 1 मिनट का टाइमर लगा रहा हूं सर ये बॉक्स में हाँ पहला अपर का ऊपर का पहला फिर बीच का फिर तीसरा फिर कम डाउन टू 4, 5, 6, 7, 8, 9 वो सीक्वेंस में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज्वाइन करना है योर टाइम स्टार्ट नाउ नहीं नहीं करो ना पूरा नंबर कंटिन्यू करना है And your time up. 30. 40. 37. आपका 30. 83. कौन सा लास्ट नंबर है 85 से आपका देखो 40 आप नहीं लास्ट नंबर 42 39 28 40 अब रुक जाओ हाईएस्ट नंबर कितना आया है 40, 42 और 39 क्या हो गया स्पीड बढ़ गई राइट ये स्पीड सेकेंड टाइम पेपर सॉल्व कर रहा इसलिए नहीं बढ़ी सेफली माय डियर फ्रेंड्स जब हमारे पास में रीजन तो है क्या करना है हमारा गोल तो है बट अगर डिस्ट्रैक्शंस बीच में है रास्ता नहीं मिल रहा है चैनल नहीं है तो क्या हम वो गोल तक सही समय में पहुंच सकते हैं लेकिन वही अगर हमने प्रॉपर चैनल किया डिस्ट्रैक्शंस हट गए हमें पता है इस बॉक्स के बाद 2 नंबर इसमें है 2 के बाद 3 नंबर इसमें 3 के बाद 4 इसमें 5 इसमें 6 इसमें तो वो पर्टिकुलर बॉक्स में हमें वो नंबर ढूंढने में आसानी मिली यस सर इसका दिमाग लगाया यस सर दिस इज द वे माय डियर फ्रेंड्स इफ वी कीप डिस्ट्रैक्शंस अवे इफ वी मेक आवर पाथ वेरी इजीियर एंड फोकस ऑन आवर गोल्स सो वो रास्ता भी अच्छा मिलता है पहुंचते भी जल्दी है और सक्सेस भी ज्यादा मिलता है Got it? Yes, sir. Yes. Thank you very much. Take your seats. Neena ma'am, आपने कुछ chocolates लाए I guess? Yes. Neena ma'am, आपने कुछ chocolates लाए हैं? नहीं मैं लेकर आया. हाँ. तो मुझे ये गाल चाहिए. सबसे फर्स्ट इसमें हाईएस्ट था आई गेस 26 फर्स्ट पेपर में विदाउट गोल कौन सी गेम है
कोई मान पूछते नहीं मिले बोनस राइट सर। हां एक मैडम जिन्होंने विपश्यना किया ओके सो चीज समझ में आई सर एक्टिविटी तो भाई की आवाज बड़ी दमदार कोई बोले ना मेरे सबका माहौल खींच लेता है सो चीज वही है जो हम इतनी देर से बता रहे हैं उसका रास्ता और क्लियर होना चाहिए कि यस अगर हमको पता हो हमें क्या करना है तो हम कितने जल्दी हमारे हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं पहली बार मैंने आपको टाइम दिया था 1 मिनट 40 सेकंड्स सेकेंड टाइम मैंने टाइम दिया आपको 1 मिनट अगर मैं 1 मिनट 40 सेकंड का टाइम आपको देता तो शायद आप 83 तक भी पहुंच जाते। सो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ईच वन ऑफ यू। यानी आपने मुझसे आधे मिनट में करीब करीब आधे मिनट में उससे ज्यादा काम किया जब आपको रास्ता सही सही पता था। Got it? Yes, sir. So no to right and say yes to Got it? Yes. This will definitely increase your focus. Now, what is laser sharp focus? जीतू करना है सर। वो ही focus चाहिए। कैसे करें? Laser sharp focus. How we can achieve that? Right? क्या है first point? इसका मतलब क्या है? हिंदी में अनुवाद में भी करें। Time पे पहुंचना और Make a routine कि आप सुबह उठने के बाद एक ऐसी जगह चूज करो जो आपको डिस्ट्रैक्शन से अवे रखे, आपके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज ना हो और आप प्लीजेंट माइंड के साथ कुछ समय दे सके। अगर आपको लगता है सुबह चाय बनाना के हाथ से चाय बना के वो कप लेके बैठना मेरे लिए अच्छा है वैसा करो। सुबह आपको लगता है अच्छा सा म्यूजिक लगा के मैं बैठ सकता हूँ तो वैसा करो। But give yourself a time each and every day, same place, same time with same thing to be added जो आपको motivate करे उस चीज़ का। Do that thing for continuous say 30 days or 60 days. आगे क्या करना है? चलो जगह तो पता चल गई, time पता चल गया। Second point, choose trigger. जो trigger मैंने आपको कहा जो आपको motivate करे बार रखने के लिए, फिर वो हो सकता है कोई music हो सकता है कोई चीज़ हो, not mobile. डिस्ट्रैक्ट वाली चीज में जो ट्रिगर दे आपको सोचने में, किस किस की आइडियाज आती है जब हम बहुत अच्छे से म्यूजिक सुनते हैं, किसको आइडियाज आती है जब वो एक चाय की चुस्की पीते हैं, किसको आइडियाज आती है जब वो पेपर पेन लेके कुछ ड्रॉ करते हैं। गिव योरसेल्फ दैट टाइम, गिव योरसेल्फ दैट ट्रिगर। थर्ड पॉइंट, गेट स्टार्टेड, प्लान व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, फोकस। देखिए क्या होता है, मैंने कहा आपको मैनिफेस्ट करना है, राइट? अगर आपको पता है मुझे ये चीज करना है, आज से 5 साल बाद मैं खुद को यहां देख रहा हूं, राइट इट डाउन। रोज 30 दिन वही चीज आप रोज लिखो, बाद में आपका प्लान नहीं करो। मुझे वहां पहुंचना है, व्हाट आई वांट टू डू, सारे पॉजिटिव्स क्या करते हैं, वो गोल अचीव करने के लिए मुझे क्या करना है। एवरी डे राइट दैट थिंग एंड मैनिफेस्ट दैट थिंग जो आपने लिखी, राइट? फोर्थ, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। उसके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। अगर आपने रोज सुबह 30 मिनट्स का टाइम दिया है तो आपके घर पे भी बोलते हैं 30 मिनट में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई डोरबेल खोलने की आपको जरूरत नहीं, ठीक है? वो मिनट में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, नो मोबाइल, नो इंटरनेट, नथिंग, राइट? एंड लास्ट, वर्क विदाउट इंटरप्शन। जो चीज प्लान आउट की है उससे एग्जीक्यूट करना है इन दैट होल डे विदाउट एनी इंटरप्शन। ये डोपामिन डीटॉक्स आपका परमानेंट होता है क्योंकि आपको वो आदत लग जाएगी, यस ये मेरा टाइम है, मुझे इसमें ये चीज करना है। वो समय आपका डोपामिन आपके लिए काम करेगा, इट इज नॉट हाईजैक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। बिकॉज इट इज अ हार्मोन फॉर डिजायर, क्रिएट डिजायर, क्रिएट एंथुसियाज्म, ये उसका प्लस पॉइंट है। हमने बहुत माइनस हावी कर दिए है, दैट्स व्हाई हमें उसका डीटॉक्स की जरूरत पड़ती है।
उसके बहुत अच्छे पॉइंट्स भी है राइट हार्मोन ऑफ मोर आइडियाज मोर क्रिएटिविटी मोर नॉलेज मोर एक्साइटमेंट अबाउट द लाइफ एंड मोर गोल्स अंडरस्टूड यस सर राइट अब मुझे एक चीज बताओ डोपामिन डिटॉक्स तो कैसे करना भी समझ लिया क्यों करना भी समझ लिया क्या डोपामिन डिटॉक्स इज परमानेंट पक्का एक बार कर लिया ठीक है ठीक है सर उगा के तीन दिन का डोज लेता है ऐसा नहीं है नहीं है वेरी करेक्ट एब्सोल्युटली गुड इट इज नॉट वन टाइम प्रोसेस राइट क्यों ये बंदे को जानते हो क्या नाम है रॉबर्ट डाउनी जूनियर सबको मालूम है अच्छा आप ये नाम इनको नहीं बताओगे तो आपको कौन से रोल के लिए जाने जाते हैं वेरी करेक्ट राइट आयरन मैन यस सर ही इज वन ऑफ द फेमस फिल्म स्टार वे बैक बहुत हिट बहुत पैसा कमाने वाला बंदा उसके बाद ये एडिक्शन में लग गए ड्रग्स एंड वेपन्स ड्रग्स एंड वेपन्स के एडिक्शन में से 1999 से फिर इनको जेल कंटिन्यूअस जेल बैंकरप्ट हो गए जीरो मनी हो गए इनके पास 2003 और 4 के बाद यानी एक समय ऐसा था रॉबर्ट डाउनी बोलते थे कि उनके मुंह में गन है उनके यहाँ पे गन है सिर पे गन है मुंह में ड्रग है मैं ड्रग नहीं खाऊंगा या ट्रिगर दबाऊंगा मैं कुछ भी एक चीज करूंगा मर जाऊंगा अगर मैं ड्रग नहीं लू तो भी मर जाऊंगा और मैं लू तो भी मर जाऊंगा इतने एडिक्टेड थे तो मैं क्या करूं उस एडिक्शन में इन्होंने इतने गलत काम किए कि इनको बार बार जेल जाना पड़ा बैंकरप्ट हो गए बट आफ्टर दैट उनकी वाइफ के बदौलत वो डोपामिन डिटॉक्स जो प्रोसेस उन्होंने फॉलो की मैं बताऊंगा वो क्या थी Now, after Iron Man, he's again a richest film star, one of the richest film stars. Now, he's not at all into that drugs and weapons. Absolutely free from that. What tough hota hai? It's very, very, very tough. Jis cheez ke aap puri tarah addicted ho, usse bahar aana aur wo sustain karna, that is more even tougher. Wo sustain karna, right? Kaise kiya hai? Robert Downey, how to prevent relapse? Be aware when that relapse is done. कौन से point है जो trigger कर रहा है? हो सकता है beer group हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो हमें बार-बार motivate कर रही है towards उसके तरफ जाने के लिए, बार-बार encourage कर रही है उसके तरफ जाने के लिए जो चीज हम छोड़ चुके हैं। या हमारी ऐसी कौन सी खुद की आदत है कि मुझे वो trigger करे यार मैं देख लूँ यार ये कर लूँ यार Identify that point. Second, take help from near ones. Robert Downey को उनकी वाइफ ने पूरी तरह है सारी चीज उनकी सही लाने के लिए उन्होंने पूरी तरह उन्हें हेल्प डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा कंटिन्यू उनके साथ रही कि कोई वो अकेला छोड़ के वापस वो चीज में ना चला जाए Are you getting my point? Yes. So, वो सारी चीज योगा मेडिटेशन जिस चीज से आप पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आए वो चीज तो रिलैक्स नहीं आना चाहिए आपका माइंड उस तरफ नहीं जाए तो उसको पॉजिटिव एनर्जी की तरफ एंगेज रखो गॉट माय पॉइंट एंड लास्ट इज जब हम ये सारी चीज करेंगे और उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो चीज आएगी नहीं बिकॉज एक सर्वे के मुताबिक ये सर्वे आपके लिए एकदम सुटेड है 18 से 26 साल के बच्चों का सर्वे हुआ आप सारे को एज ग्रुप के हो राइट क्या लिखा है मैं पहले जो सोचा जाता था कि मेंटल डेवलपमेंट की एज क्या है बच्चे को ये इसमें सारी समझ आ जाती है बट नाउ दिस एज इज बिकमिंग मोर क्रूशियल फॉर योर सोशल
for your emotional and for your economical growth. And ये age group में अगर आप इन तीनों पे control रख पाए तो आपकी success story बढ़ी जाएगी, आपके नाम के examples दिए जाएंगे. And I hope you all want that कि कोई कुछ सालों बाद आपके नाम का एग्जाम्पल कहीं और दे. You want? Yes. Yes. So keep all the things in mind जो हमने पढ़ी है. एक short recap हम लेंगे, right? And then we finish. क्या है सबसे पहली चीज? What is dopamine? समझ आया है अभी? क्या it is a neurotransmitter. क्या चीज है जो nowadays triggering it more? Social media addiction, right? So we should be in control or under control? In control, right? How? What are the three steps? What are the three steps? सबसे पहले can identify your distractions, write it down. Can and are. Second, addiction and fiction to your can. Third. Morning routine. Use that affirmations. Use that music which give you pleasant environment. Right? ये सारी steps से we can continue doing detox. कौन से दो type के detox? Feedback from all of them. Yes. Okay, immediately sir, अभी मैं भेज देता हूँ.